वेलकम बैक टू रौनक रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक कड़ी रेसिपी। आज की रेसिपी है बथुआ की कड़ी। आज मैंने बथुआ की कड़ी को बनाने का सबसे आसान और शानदार तरीका बताया है। आप इसे एक बार मेरे तरीके से बना के देखना, आपको ये तरीका पसंद आ सकता है। तो चलिए जानते हैं बथुआ कड़ी बनाने की विधि। बट फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली रेसिपी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बथुआ की कड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है बथुआ। ये 300 ग्राम मैंने यहाँ पे बथुआ लिया है और बथुआ को हमें सबसे पहले अच्छे से साफ कर लेना है, यानी जो इसके डंठल हैं इसे हमें हटा देना है और बथुआ के पत्ते को तोड़ के हमें अलग कर लेना है। उसके बाद हम बथुआ को 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। फिर हम बथुआ को थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बथुआ कड़ी बनाना। बथुआ की कड़ी को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में हमें डालना है बथुआ। बथुआ को हमें अच्छे से धो जरूर लेना है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी होती है वो काफ़ी होती है। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है नमक। ये 1/4 चम्मच मैंने नमक मिलाया है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलाना है पानी। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी मिलाया है। पानी मिलाने के बाद अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। 4 से 5 मिनट बाद हमें इसका कवर हटा लेना है और कवर हटाने के बाद हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बथुआ अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। तो बथुआ को एक साइड में निकाल लेते हैं, इसको बाद हम कड़ी में यूज करेंगे। बथुआ की कड़ी को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर जार, और जार में हमें यहाँ पे डालनी है दही। ये 200 ग्राम मैंने यहाँ पे दही ली है। दही लेते वक्त आप एक बात का ध्यान जरूर दें, दही हमारी अच्छी खासी गाढ़ी होनी चाहिए। आप चाहें तो इसे छाछ के साथ भी बना सकते हैं। छाछ से भी बथुआ की कड़ी आसानी से और अच्छी सी बन के तैयार हो जाती है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है बेसन। ये 3 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, और जो चम्मच है हमारा, जो नॉर्मल यूज में चम्मच आता है, वो चम्मच से मैंने यहाँ पे बेसन नापा है। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर। ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलाने हैं धनिया पाउडर। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर मिलाया है। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है पानी। ये 1/4 कप के आसपास मैंने यहाँ पे पानी मिलाया है। पानी हमें यहाँ पे एकदम ज़्यादा नहीं मिलाना है। अगर हम यहाँ पे पानी ज़्यादा मिलाते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर जार में हम इसे जब पीसेंगे तो पानी बाहर निकल सकता है। तो अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में बारीक पीस लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बथुआ कड़ी। बथुआ कड़ी को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हमें यहाँ पे डालना है 1/2 चम्मच मेथी दाना। फिर हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। उसके बाद हमें यहाँ पे डालनी है करी पत्ता। ये 4 से 5 मैंने करी पत्ते लिए हैं। करी पत्ते से बथुआ की कड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आपके पास है तो मिला सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है लहसुन। ये 6 से 7 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, और लहसुन को मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक काटा है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है अदरक। ये 1 इंच मैंने यहाँ पे अदरक लिया है और अदरक को भी बिल्कुल बारीक काटा है। अब हम लहसुन और अदरक को एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लेंगे। और फिर हमें यहाँ पे मिलाना है प्याज। ये 2 मीडियम साइज के मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं और प्याज को बिल्कुल बारीक काटा है। फिर हमें यहाँ पे मिलानी है हरी मिर्च। ये 2 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, इसको भी बारीक काटा है। अब हम प्याज को एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम प्याज को 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता, प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो प्याज हमारा अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे मिलाना है बथुआ। बथुआ जिसे कि हमने पहले से बॉयल करके रखा था। आप चाहें तो बिना बॉयल किए भी बथुआ कड़ी को बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बथुआ को प्याज के साथ कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाना पड़ेगा। अब हम बथुआ को एक बार अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो हमारी कढ़ाई का टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ऐसा करने से दही हमारी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो 4 से 5 मिनट के बाद हमें इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है दही का घोल, जिसे कि हमने पहले से सारे मसाले मिला के बेसन
और बाकी मसाले मिला के पहले से तैयार करके रखा था, तो हमें यहाँ पे उसे मिला देना है। और उसके बाद हम यहाँ पे जार को धोने के बाद जो पानी बचा था उसे भी हम यहाँ पे मिला देंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जितना भी आपको पानी चाहिए, यानी जितनी भी आपको कढ़ी चाहिए, इस स्टेज पे आप पानी मिला सकते हैं। पानी मिलाने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसे लगातार चलाते हुए, जब तक कि हमारी कढ़ी में एक उबाल आ नहीं जाता, इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। ऐसा करने से जो हमारी कढ़ी है बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे बथुआ की कढ़ी को करीबन 6 से 7 मिनट के आसपास तक लगातार चलाते हुए इसे पकाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बथुआ की कढ़ी जो है कहीं से भी फटी नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे मिलाना है नमक। ये आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे नमक मिलाया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कढ़ी के हिसाब से यहाँ पे नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को मिलाने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हमें इसे पकाना है, और पकाना इसे हमें काफ़ी लंबे टाइम तक है। इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट के आसपास तक इसे हम पकाएंगे। और बथुआ की कढ़ी को हमें बीच बीच में चलाते रहना है, ताकि बथुआ की कढ़ी हमारी नीचे चिपके नहीं। तो मैंने यहाँ पे बथुआ की कढ़ी को धीमी आंच पे करीबन 20 मिनट के आसपास तक पका लिया है। तो इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारी बथुआ की कढ़ी है काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है और ये अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से आसानी से बथुआ कढ़ी रेसिपी को घर पर बना सकते हैं। आपको मेरा बथुआ की कढ़ी बनाने का तरीका कैसा लगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, रेसिपी अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।